बहुत बहुत स्वागत है आपका फोनोज अटैक में, और आप सभी को हैप्पी होली सबसे पहले। और उसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा यूसी ब्राउज़र के कुछ ऐसे टिप्स जो शायद आपको नहीं पता, और हो सकता है कि कुछ टिप्स आपको पता हो, लेकिन बहुत से ऐसे टिप्स हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप यूसी ब्राउज़र को इजीली हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसके न्यूज़ फीड्स को मैनेज कर सकते हैं, होम स्क्रीन्स को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप यूसी ब्राउज़र पर कर सकते हैं, तो उसी के लिए मैंने आज मोब ट्रिक का मदद लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। वो चैनल भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाते हैं और आपके लिए यूज़फुल कंटेंट्स जो है वो रेडी करते हैं। तो आप मोब ट्रिक को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और राइट साइड में आपको फिर उसी के सब्सक्रिप्शन बटन के जस्ट बगल में आपको एक घंटे का कर देगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं अपलोड होने के बाद तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और जानिए यूसी ब्राउज़र के कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों हमारा पहला फीचर है मैनेज कार्ड्स। दोस्तों जैसे आप यूसी ब्राउज़र ओपन करते हैं, आप देखते हैं इधर आपको न्यूज़ वगैरह दिखाई देने लगती है, टॉप साइट्स वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो आपके काम की नहीं होती। तो दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो आप अपनी होम स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं। आप सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो इधर देखिए आपको मैनेज कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको देखिए ऑप्शन मिल जाता है, आपको जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप ऑन रखिए, बाकी सब आप ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी होम स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर है टेक्स्ट ओनली। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट पे हैं या फिर कोई पेज वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको फ़ोटो से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। आप सिंपली देखिए इधर आपको सेटिंग में चले जाइए, फिर इधर देखिए आपको टेक्स्ट ओनली का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो दोस्तों आप जो फोटोज वगैरह है वो लोड नहीं होंगी, और लोड नहीं होंगी तो आपको फास्ट ब्राउजिंग मिलेगी और साथ में ही आपका जो डाटा है वो कम खर्च होगा। तो ये काफ़ी अच्छा काफ़ी बेनिफिट है इसमें कि आपका जो डाटा है वो भी कम खर्च होगा और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वही मिलेंगी, बाकी फ़ोटोज वगैरह आपको नहीं दिखेंगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर है फाइंड इन पेज। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वेबसाइट पे हैं, कोई कहीं पे भी हैं, मतलब हमको कुछ पर्टिकुलर एक वर्ड चाहिए, सेंटेंस चाहिए, हम वो ढूंढ रहते होते हैं, ऐसे ऐसे बारीकी से ढूंढ रहते होते हैं। बट दोस्तों आपको यूसी ब्राउज़र में इसका एक शॉर्टकट मिल जाता है। आप देखिए सिंपली अगर इधर थ्री डॉट्स पे जाते हैं, फिर इधर देखिए आपको फाइंड इन पेज का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसमें जो भी चीज़ लिखेंगे अगर वो उस पेज पे रहेगा तो वो सीधा आपके सामने आ जाएगा। चलिए तो देखो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी वर्ड आप चाहें तो किसी भी पेज में ढूंढ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतरीन शॉर्टकट है कोई भी वर्ड ढूंढने का। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपको यूसी ब्राउज़र में डायरेक्टली एक ऑप्शन मिल जाता है, शॉर्टकट मिल जाता है स्क्रीनशॉट लेने का। आप इधर देखिए थ्री लाइंस पे जाते हैं, फिर इधर देखिए अगर आप टूल्स पे जाते हैं तो इधर देखिए आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीनशॉट आप सिंपली आप जैसे चाहें वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फुल स्क्रीन में ले सकते हैं या फिर कट करके ले सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें इधर देखिए आपको अच्छी तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसको आप जो है शेयर कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप चाहें वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक बेहतरीन फीचर है यूसी ब्राउज़र का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है एड ब्लॉक। यहाँ दोस्तों काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर ये। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वेबसाइट पे हैं तो हमको तरह तरह के एड्स दिखाई देने लगते हैं, तो यूसी ब्राउज़र आपको एक ऐसा फीचर देता है, एक ऐसा फंक्शन देता है जिससे आप एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। आप सिंपली देखिए इधर थ्री लाइंस पे जाइए, आप इधर टूल्स पे जाइए, इधर देखिए आपको एड ब्लॉक का एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो इधर देखिए आपको देखिए बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये पावरफुल एड ब्लॉकर जो है डिसेबल रहता है, आपको इसको इनेबल करना है। तो इसको इनेबल करने के बाद आप मतलब और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से एड्स को ब्लॉक करने लगेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है हम लोगों को कि क्योंकि एड्स जो आते हैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं हम सभी लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट हमारा फीचर है वेबसाइट प्रेफरेंस। जी हाँ दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ, इधर देखिए आप सेटिंग में चले जाइए, सेटिंग में जाने के बाद आप ब्राउजिंग सेटिंग में चले जाइए,
फिर उसके बाद देखिए आपको नीचे वेबसाइट प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों इसका क्या यूज है, इसमें देखिए आपको अलग अलग मोड मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखिए इधर लाइट मोबाइल और डेस्कटॉप। अगर लाइट आप लाइट मोड अगर यूज करते हैं तो देखिए आपको इसमें आपको फास्ट ब्राउजिंग मिलेगी, समझ रहे हो। अगर आपका नेट स्लो है तो आप इसको लाइट मोड को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने जो कि कोई पेज डेस्कटॉप में कैसे ओपन होता है तो आप डेस्कटॉप के स्क्रीन अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं डेस्कटॉप में तो आप उसका आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने अलग अलग इम्पोर्टेंस के हिसाब से, अपने अलग अलग यूजेस के हिसाब से। तो ये भी काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतरीन फीचर लगा है मुझे इसमें यूसी ब्राउजर में, तो जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है इसके यूज के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। हमारा नेक्स्ट फीचर है जूम आउट। दोस्तों कई बार हम कई ऐसे पेज में होते हैं जहाँ पे जूमिंग नहीं होती रहती है, तो दोस्तों ये फीचर आप सिंपली इधर देखिए थ्री लाइंस पे चले जाइए, फिर सेटिंग में चले जाइए, फिर इधर देखिए आप फॉन्ट लेआउट में चले जाइए, फिर इधर देखिए जूम पेज फोर्स पेज टू जूम आउट, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो आप किसी भी पेज को जूम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा काफ़ी बेनिफिट है मिल जाता है हम लोगों को पेज जूम करने का, आप पेज जूम कर सकते हैं कहीं भी। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स थे, हिडन फीचर्स थे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी यूसी ब्राउजर के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वैसे ही एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक करने में जरा भी कंजूसी मत कीजिए। और दोस्तों आपका कोई क्या सवाल है, आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले और